बर्तन धोने पड़ेंगे इसलिए डिस्पोजेबल ले लो। क्या बात है जितेंद्र, क्या मस्त व्यू आ रहा है। ट्रेन ट्रेन ट्रेन, सिर्फ इंजन ही आया है, हम यहाँ से हिल ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब। ये धुंध नहीं है, बादल है, इधर को तो पूरा व्हाइट हो रखा है, दिख भी नहीं रहा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, सीधा टाइम है बताती हूँ, टाइम बज गया 5 और हम पूरे टाइम पे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा इतना कुछ ऐसा डिसाइडर सा था नहीं कि सुबह कितने बजे जाना है, बस ये था कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकल जाएंगे। और अभी बस निकल रहे हैं, बाकी सारी बातें बाद में करूँगी, तो पहले मैं निकलती हूँ फिर बात करती हूँ। और हाँ, ये तो आप लोगों को पता ही है कि आज हम निकल रहे हैं अपने ट्रिप पे, बाकी आपको थंबनेल टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो जो भी स्टोरी है, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको साथ साथ में आगे बताती रहूँगी। जितेंद्र के साथ हर बारी मजाक हो जाता है। आशा, आशा जी, जितेंद्र मजाक करता है हो जाता है आपके साथ। अरे बर्फी भी खा सकते हैं हम लोग। जी नहीं, सुबह सुबह जितेंद्र का ना मिठाइयाँ देख के ऐसे जीभ लप लप आ गई है। मैं बेसन बेसन खाऊंगा एक पीस। मी टू। तो हम आए थे पराठा खाने, बहुत ऐसे कि यार, पर मेरे को पराठा खाने का था नहीं यार, मेरा मन कर रहा था पोहा। पोहा तो छोड़ो, पराठा भी नहीं मिला, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टाइम तो अभी 6:15 ही हुए हैं। तो अब बस चाय मट्ठी खा रहे हैं, जितेंद्र के हाथ का पोहा ही खाना पड़ेगा आज मेरे को आगे जाके। वो ज़्यादा बेटर होता, खा लेते हैं। बर्तन धोने पड़ेंगे इसलिए डिस्पोजेबल ले लो। बेटा घर पे भी बर्तन मैं ही घिसता हूँ। ओह माय गॉड यार, प्लीज ऐसी झूठी बातें मत किया करो आप। अब मैंने कम कर दिए हैं। फेस पे ना ये झूठ आपके ऐसे दिख रहा है। ऐसे दर्द करने लगे ना, घिस घिस के ऐसे दर्द होने लगे, तो मैंने कम कर दिए बर्तन धोने। तो भी मैंने वॉशिंग मशीन भी लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि डिश वॉशर भी ले ही लूँ मैं। सुबह सुबह जितेंद्र देख रहे बेसन मट्ठी। हाँ मट्ठी तो ऐसा, हम दोनों ने सुबह सुबह एक एक बेसन ले लिया, बेसन यहाँ का फेमस है, ये कैसे छोड़ सकते हैं। और जगह तो बता दो, फेमस कहाँ का? फेमस पता है यार, हमने पहले भी दिखाया है, ये होशियारपुरिया का ढाबा, मतलब ये पड़ता है अमृतसर वाले रोड पे, बलाचोर। पहले भी मेरे को किसी ने कमेंट किया था, मैंने ऐसे ही बोला था जगह का पता नहीं, बलाचोर है। पठानकोट का लगाया अभी तक हमने, तो 1 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है, हम पहुंच जाएंगे 9:30 बजे तक वहां पे। हेलो गाइस, वंस अगेन, अब हम थोड़ी होश में है तो मैं आपको दोबारा हेलो बोल देती हूँ, क्योंकि अब नींद नूंद अच्छे से खुल गई है। और अभी देखा ही है आपने, हमने काफी रास्ता कवर कर लिया है। और पहले तो ये बता दूं कि हम आज जा कहाँ पे रहे हैं। तो आज हमारा टारगेट, पहले तो ये बताती हूँ हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा ट्रिप कहाँ का है। तो वैसे तो आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा, तो हम जा रहे हैं श्रीनगर, और मतलब मेन कश्मीर जा रहे हैं आप ये समझ लो। और कौन कौन सी जगह देख पाते हैं वो तो आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो आज हमारा टारगेट जो है, स्पेस का इशू आ गया था, डिलीट कर दी मैंने फाइल्स, तो हमारे ड्राइवर जी से हम पूछ लेते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। ट्रेन यार, मस्त मस्त ट्रेन दिख रही है यहाँ पे। ये मैं तो कहता हूँ डीजल ले लेते इससे। तो हमें लगने वाला है 10 घंटे 11 घंटे का टाइम है शायद, 11-12 भी लग सकते हैं, मतलब रुकते रुकाते थोड़ा जाएंगे तो 11-12 घंटे। हाँ, तो हमने ऐसे सोचा कि हम 5:30 बजे निकले हैं, तो इतने बजे के आसपास हम शाम को बनिहाल पहुंच जाएंगे। और कल मॉर्निंग में हम अर्ली स्टार्ट करेंगे, ताकि हम देख भी पाए और डिसाइड करेंगे कि कल श्रीनगर जाना है या फिर गुलमार्ग जाना है। बाकी मौसम पे भी डिपेंड करता है कि अगर स्नोफॉल वगैरह दिखाई हुई है तो कैसा मौसम रहता है और हम कहाँ जाते हैं।
क्या बात है जितेंद्र, क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। आपकी फोटो होनी चाहिए यहाँ पे पीछे, मस्त सूरज और यहाँ आप और मेरा हाथ साथ में। यहाँ पे हम रुके थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए, बस थोड़ी सी टांगे सीधी कर रहे हैं और फिर चलेंगे, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे ना जम जाते हैं, फिर मेरी पीठ भी सेट हो जाती है। मैं ऐसे जोर से चीख के बोल रही हूँ ट्रेन, उधर से वो देख रहे होंगे इनको क्या हुआ, पहली बारी देखी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम बचपन में ना पठानकोट में ऐसे करते होते थे, ट्रेन देखने के लिए भाग के जाते थे, छत के ऊपर आवाज सुनाई देती थी। तो आ किधर से रही है पर ट्रेन ट्रेन ट्रेन, सिर्फ इंजन ही आया है। पगला गई ये, हटी नहीं थी बोलने से। अरे तो उसके हिसाब से तुमने पठान। अच्छा ये इसको अभी हम करते हैं एग्जिट, बस बस भाई थैंक यू सो मच। और पठानकोट तो पहुंच गए, हमने पठानकोट का लगा रखा था इसलिए ये इसको लग रहा है हम गलत चले गए, तो इसी रास्ते पे जम्मू के लिए राइट टर्न आ जाता है। ये मिली हमें अच्छी सी जगह और यहाँ पे तो पक्का पोहा मिल जाएगा, मेरा मन आज पोहा ही खाने का है, तो पोहा खाएंगे। और ये जस्ट हम पठानकोट से निकले थे तो ये दिखा हमें, जितेंद्र को पराठा बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से दिया, पर अच्छा लग रहा है। आपने क्यों निकाल लिया, मैं खा रही हूँ ढोकला। हम पहुँचने वाले हैं जम्मू, नहीं अभी तो 88 किलोमीटर है। मतलब जम्मू में हम एंटर करने वाले हैं, लखनपुर में जाके एंटर हो जाता है ना, जे एंड के स्टेट में एंटर करने वाले हैं। हाँ जे एंड के में एंटर करने वाले हैं, अभी है थोड़ा टाइम। वही देखना ये वाले पूंड पूंड, ये है लखनपुर के भल्ले जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं खा पाएंगे, देखना कैसे भीड़ लगी होती है। और मैं ना बस में भी आई हूँ जितेंद्र यहाँ पे, तो ये बस में भी हम छोड़ते नहीं होते थे कि खाने आ जरूर। हाँ तो हम लोग खाते थे यार, हम छोटे छोटे होते थे तब से खा, ये देखो कैसे बेच रहे हैं। हाँ। वो जो पहाड़ आएगा ना मैं दिखाऊंगी आपको गाइस, जब हम लद्दाख से आए थे ना, मैंने उस टाइम पे शायद अपना व्लॉग एंड कर दिया था, मेरे को याद नहीं है, पर वो बहुत ऐसे रात का टाइम था और हमें खुद को नहीं दिख रहा था कि वो कैसा पहाड़ था, बट मेरे को तो ना वो ऐसे सच में नाइटमेयर की तरह आता है, वो इतना मतलब वो कंजस्टेड है, थोड़ा टूटा फूटा सा भी है रास्ता, चढ़ाई भी होगी और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें फिर से कर गया था चाय पीने का मन, और उससे पहले अपने को जाना था वॉशरूम, जहाँ रुके वहाँ पे वॉशरूम ही नहीं थे तो यहीं पे आए थे, और वॉशरूम बिल्कुल क्लीन थे, है ना, सही थे। हमने अभी खाने के लिए ऑर्डर करवाया है हनी चिली लोटस, ये फर्स्ट टाइम खाऊंगी लोटस की स्टेम्स, मैंने तो कभी खाया भी नहीं है, वैसे पंजाब में भी मिलता है पर खाया नहीं कभी, आपने तो खाया होगा ना, बट टिंडे खाए हैं, टिंडे बहुत खाए हैं। जितेंद्र की फेवरेट सब्जी टिंडे, नहीं अंदर बैठेंगे। हाँ इधर आ जाओ, ये है हनी चिली लोटस, और हम इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, जो हमारा मिक्स वाला अचार होता है ना उसमें होती है ये, क्रिस्पी सा है मस्त सा, अच्छा था। बाकी सुना है कि यहाँ पे खाने पीने की चीजें और वो जो एक जायका होता है वो बहुत अच्छा है कश्मीर का भी, है ना। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो तुम्हारी होस्ट, इसका भी देखो पोस्चर, देखो इसका टांगे थक जाती है भाई बैठ बैठ के, और तो बंदा के फिर कैसे बैठे, बैठ बैठ के कैमरा भी ऑन नहीं किया, घुटने का सहारा रख भी लिया, ये देखो बाजू थक जाती है यार ऐसे रख रख। टनल पे टनल आ रही है, ये तीसरी चौथी टनल आ गई है, काफी टनल आएंगे ऐसे छोटी छोटी, ये सारा रोड ऐसा ही है। अब ये देखो ये खत्म हुई, इसके बाद बिल्कुल साथ में दूसरी शुरू हो गई है, और मतलब यहाँ पे ना जितेंद्र मोस्टली टनल्स ऐसे ना कि एंट्री वो अलग से है, एग्जिट वाली दूसरी वाली अलग से है, जबकि जो हमने उधर देखी है टनल जैसे अटल टनल है वो तो वो एक ही है, वो बहुत बड़ी है ना, वो एक ही ट्यूब है उसी में दोनों चलता है, मगर ये टू लेन है। हाँ। वो इतनी बड़ी एक ही ट्यूब है जो अटल टनल वाली। हाँ, इतनी एक और किसी भी एक साइड जाने की एक साइड आने की, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है ना, बंदर बहुत है इधर, और लिखा हुआ है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये इनको फीड करना, हम तो ऐसे सोचते हैं चलो बेचारे इनको दे दो, बोल
टच हमें थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। मस्त वाली स्नो दिखने लग गई, अब तो ऐसा लग रहा है यही ना स्नोफॉल हो जाए। हाँ पर उधर हो रही है ना ऊपर, अभी यहाँ नहीं होगा ये स्नोफॉल, हमें देखने को मिलेगा कल। आज जहाँ तक जाएंगे वहां तक बारिश ही, उनके हिसाब से तो है नहीं है। मतलब रात को थोड़ी बहुत हो जाए बनिहाल में तो। हाँ नहीं बनिहाल में होती नहीं है स्नोफॉल, उसने बोला था टनल क्रॉस करके मिलेगी आपको स्नो। ये देखो अब आप क्लियर ट्रैफिक वहां तक, ये जो नीचे वाली सड़क दिख रही है ना, ये लोग जो है ना वो गलत गए हुए हैं। मतलब ये आने वाली है जबकि ये फिर इसमें ही जा रही, क्योंकि ऊपर वाले में ट्रक्स इतने ज्यादा हैं। और यहाँ पे भीड़ इसीलिए क्योंकि आने वाली है मेन टनल, जो पत्नी टॉप वाली टनल, और शायद वहां पे थोड़ा रोक के ही आगे भेजते हैं, तो इसलिए ये ट्रैफिक है। बारिश हो रही है, खड़े हैं, बस वही नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है जब लद्दाख वाले टाइम पे था, क्योंकि उस टाइम पे भी ये ट्रक और ये सब था, पीपी पापा, बस वैसा ही फील हो रहा है। जितेंद्र एक बार फिर साफ कर दो। मैं बाहर उतर गई ना साफ करने चले गया। थैंक्स जितेंद्र। पर हमारी किस्मत ही खराब, पता कैसे, आज भी ट्रक जा रहे हैं, जब हम आए थे तो ट्रक आ रहे थे, सही बात है, अब हम जाने वाले हैं तो ट्रक जा रहे हैं आज। क्योंकि उधर से देख लो ट्रक कोई नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे रुके होंगे, यहाँ पे कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही साइड के ट्रक जाते हैं। गहरा रिश्ता है ये ट्रकिंग का जितेंद्र के साथ। ये सारे गाने इस बंदे ने लगाए हैं, हम यहाँ से हिल ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब। होटल बाय द वे हमने बुक करवाया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे, एक शुक्र है करवा लिया था। ये हम एक अच्छी चीज करके चलते हैं कि एटलीस्ट जिस दिन हमने पहुंचना है और लेट पहुंचना है तो हम होटल बुक करवा लेते हैं, कि कोई हेडेक दूर होता है, शाम लेट हो ही जाते हैं पहुंचने। चार्जिंग, हाँ तुम बोल लो पहले चार्जिंग। हमारे पास और कुछ है नहीं है करने को, तो हमने पिकनिक शुरू कर दी अपनी यहाँ पे, और साथ में लिटिल हार्ट। और मेरी देखना ये सारी स्वेटर से निकल निकल के सारे मेरे इस पे लेगिंग पे चिपक गया है। और इसका नाम है चनानी टनल, एक्चुअली चनानी जिसकी वजह से इतने बड़े पड़े हुए पीछे ये सारी लाइन लगी हुई है। पूरा हमें आधा पौना घंटा तो हो ही गया है। चार्जिंग लग गया हमें, पता चार्जिंग, हमारा चार्जर खराब हो गया। इन 200 मीटर्स साइड लेफ्ट ऑनटू नेशनल हाईवे 244 एट नेशनल हाईवे 44। धन्यवाद, तुम्हारी कमी थी। ये धुंध नहीं है, बादल है इधर को, तो पूरा व्हाइट हो रखा है, दिख भी नहीं रहा उधर को तो, कुछ नहीं दिख रहा। और ये देखना आते हैं, हमने हीटर जला लिया, मतलब हमें अभी जस्ट हीटर देके गए हैं। बाहर हो रही है बारिश और जितेंद्र के जूते हीटर के सामने इसलिए हैं क्योंकि ये पानी में गए सारे। हम रूम पे तो पहुंच गए हैं और बाहर जहाँ गाड़ी लगाई ना वहाँ उसके चारों तरफ पानी पानी था, तो ये इतना सारा सामान हमारा लाते लाते सारा पानी पानी जितेंद्र के जूतों में गया। और पहुंच हम गए 7 बज गए, हमें एक्सपेक्टेड हमारा था 4 बजे और 7 बजे पहुंचे। बहुत खराब रास्ता था यार ये 50 किलोमीटर वाला, और बीच में जो हुआ है ना वो मैं क्या बताऊं आपको। मतलब मैंने वो शूट नहीं किया, जितेंद्र का कैमरा ऑन था उस टाइम पे, कि ऐसे ना पीछे गाड़ियां रोकी हुई थी तो हमें लगा कि वैसे भी रोक रहे थे वैसे रुकी होंगी, तो हम भी ऐसे निकल के थोड़ा आगे आ गए, तो वहां पे ना ऊपर से ऐसे पानी गिर रहा था थोड़ा, तो साथ में थोड़ा बहुत तो ऐसा आ ही जाता हल्के फुल्के पत्थर से। तो एक बंदा जो उधर से आ रहे थे फिर उसने हमें कहा कि आप मतलब गाड़ी खींच के ले जाना, कुछ ऐसा होगा नहीं। हम भी निकल लिए, बाकी उधर खड़े ही थे, मतलब धीरे धीरे सब जा ही रहे थे अपने हिसाब से। निकले उसके बाद जो पानी गिरा है ना धड़ाम पूरे उसके ऊपर, और तो छोटे 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 ऐसे हल्के हल्के पत्थर, मेरी ऐसे धक धक बंद हो, जितेंद्र कहे नहीं नॉर्मल है, और एक बारी के लिए तो सामने दिखना बंद हो गया, इतना ज्यादा पानी हो गया था उसके ऊपर, ऐसे कीचड़ कीचड़ जैसा, कीचड़ था वो पानी भी नहीं था, मिट्टी वाला पानी। हाँ वो मतलब मिट्टी वाला सा पानी। बस उसके बाद हम बस लुढ़कते लुढ़कते पहुंचे यहाँ पे, और ये अपना रूम है, दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे ऐसा ऐसा सा। और अभी ऐसे है
सही किया वैसे हमने, यहाँ रुक गए ना, श्रीनगर पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। श्रीनगर तो नहीं हम पहुंच पाते भाई, हम निकले हैं सुबह 5:45 बजे। श्रीनगर क्यों नहीं पहुंच पाते? श्रीनगर पहुंचना होता ना तो आगे हमें 2 घंटे और लगने थे, अभी तो हम पहुंचते 9:10 बता रहा है श्रीनगर की सुबह ये 3 घंटे श्रीनगर की गुलमर्ग के 3 गुलमर्ग के 3 बता रहा, श्रीनगर तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। पर हम तो आज बनिहाल में ही रुके हैं, रूम हमने पहले बुक करवाया हुआ था, अभी करवाते हैं खाना वगैरह ऑर्डर, खाएंगे और टाइम से सोएंगे और सुबह हमें निकलना है। सुबह हम कहाँ जाते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, हमें खुद भी नहीं पता क्योंकि वेदर पे डिपेंड करता है। बारिश अभी भी कंटिन्यूअसली हो रही है, तो आगे अगर मौसम खराब हुआ गुलमर्ग में या फिर कुछ वैसा सा देखने वाला होगा तो फिर हम कल जाके क्या करेंगे, फिर हम परसों जाएंगे। तो कल या तो श्रीनगर होगा या तो गुलमर्ग होगा, जो भी होगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन क्वेरी कोई डाउट कुछ भी हो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।